मैं आप मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका को मंजूर करते हुए जमानत याचिका रद्द कर दी है। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, अभी उन्हें बेल नहीं मिलेगी। दरअसल हाईकोर्ट में ईडी ने याचिका दाखिल की थी अरविंद केजरीवाल की बेल के खिलाफ और इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और फिलहाल बेल पर रोक लगा दी है अरविंद केजरीवाल की। और अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। और सुशील पांडे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुशील, ये वाकई एक बड़ा सेटबैक, क्या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका? जी देखिए, ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका भी है। अगर इसके दोनों स्वरूप को देखें तो सीधे तौर पर ईडी ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में इस पूरे मामले में ईडी दलीलें दे रही थी तो ट्रायल कोर्ट के जो फिलहाल जज हैं, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ईडी को पर्याप्त समय नहीं दिया जिससे ये बताया जा सके कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति में भूमिका क्या रही और किस तरह उनका रोल एस्टेब्लिश होता है। सेक्शन जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है, उस 45 को ही इस पूरे केस की आत्मा मानी जाती है जिसके तहत ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अरविंद केजरीवाल किस तरह इस केस में इन्वॉल्व हुए, किस तरह इस पूरे साजिश के किंगपिन हैं। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने अपना आदेश दिया तो उसमें सीधे तौर पर यह कहा कि सेक्शन 45 के तहत मामला ही नहीं बनता। दूसरा कि अभी तक ईडी ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि अरविंद केजरीवाल की सीधे तौर पर इस पूरे मामले में भूमिका क्या है और यही दलील ईडी का हाईकोर्ट में रहा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर यह कहा कि जब ट्रायल कोर्ट पीएमएलए के मामले की सुनवाई कर रहे हो तो जो पीएमएलए के अंडर एक्ट है 45 उसके तहत भी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पूरे आदेश की कॉपी देखें तो उसमें कहीं भी 45 को पीएमएलए के एक्ट को एलोबरेट नहीं। आप विस्तार से बता रहे हैं सुशील, बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। और लेकिन ये एक लाइन बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं। धन्यवाद सुशील आपका पूरी जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ पांचवें दिन भी कार्रवाई जारी है बिलासपुर में और अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को, इमारतों को तोड़ा जा रहा है। चांडी डीह के मेला पारा में निगम ने यह कार्रवाई की है। 742 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक करीब 600 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। जो अतिक्रमणकारी हैं उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, चक्का जाम भी लगाया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, करीब 742 जो अवैध निर्माण थे अब उन्हें तोड़ने का काम चल रहा है। 600 से ज्यादा निर्माणों को तोड़ा जा चुका है। और उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्वाभाविक है कि विरोध का सामना तो निगम और प्रशासन को करना ही होगा, अभी क्या हालात हैं ताजा? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो पांचवें दिन भी जारी है। चूंकि अब तक के 600 मकानों को जो है निगम ने जमींदोज कर दिया है, वहीं अभी जो बाकी बचे जो मकान हैं उनको तोड़ने की जो कार्रवाई वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर निवास करने वाले जो लोग थे वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि उनको अटल आवास में जो मकान है वो आवंटित नहीं किया, जिसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। कल भी देखा कि सड़कों पर उतर कर ये लोग जो है वो विरोध करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला था कल रात को कि जो लोगों को मकान नहीं मिला वो लोग मंदिरों का सहारा ले रहे हैं, सड़कों का सहारा ले रहे हैं। चूंकि उनकी यही मांग है कि बीते जो भारी बारिश के दौरान इस तरीके से अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो नगर निगम की गलत है और यदि उन्होंने की भी है तो इसके लिए समुचित व्यवस्था की जानी थी उन लोगों के लिए जिनके लिए अभी तक मकान आवंटित नहीं किया है। यही मांग को लेकर लगातार आंदोलन जो जारी है, लेकिन निगम अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है। वहीं जो लोग इससे पीड़ित है और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको मकान मिलना चाहिए वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में फिलहाल देखना होगा कि जो बातचीत से कोई हल जरूर निकाला जाना चाहिए ताकि गतिरोध ना हो। शुक्रिया मेरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय। सीएम साय ने पीएम मोदी को बधाई दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर
बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। तो छत्तीसगढ़ विजन @2037-47 की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है। 6 महीने के नक्सल अभियान के बारे में भी बताया है। ग्रामीणों के बीच विश्वास बहाली पर काम जारी है। नक्सलगढ़ के 90 गांव के लिए 23 कैंप खोले गए हैं। भविष्य में 29 कैंप शुरू करने की योजना है। तो ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। साथ ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी है। और ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल ने आग को बुझा दिया है। यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस भवन के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर आग लग गई थी। इसके बाद एहतियातन पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया था। सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जीवाजी कैंपस में जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक इमारत में आग लगी हुई थी और हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब आकलन होगा कि आखिर इस आग से क्या नुकसान हुआ, किस तरह के दस्तावेज जल गए या फिर कुछ और क्षति इस आग से हुई है। लेकिन अच्छी बात यही है, गनीमत यही है कि आग पूरी तरह से बुझा ली गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय का न्यूरो साइंस भवन जिसमें आग लगी थी। और ग्वालियर में चलती बाइक में लगी आग, आग की वजह से बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ड्राइवर ने आग लगने के बाद सड़क किनारे बाइक को खड़ा कर दिया। ग्वालियर के गांधी रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे जो बाइक है पूरी तरह से धू-धू कर जलकर खाक हो गई। क्या वजह रही यह भी साफ नहीं है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह हो सकती है या कोई और कारण भी हो सकता है। फ्यूल लीकेज भी एक वजह हो सकती है। गर्मी लगातार पड़ रही है, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों में जो बाइक थी वो पूरी तरह से खाक हो गई। खबर खरगोन से। खरगोन में इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूट गई। इस दौरान पानी का फव्वारा बन गया जो 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लगातार पानी बहने की वजह से पास के खेतों में पानी पहुंच गया। इस दौरान हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। कसरावद इलाके के लोहारी के जामला पंप हाउस के पास की यह घटना है। सूचना मिलने के बाद आनंद फानंद में अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंप को बंद कराया गया। इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूटने के बाद इस तरह का नजारा बना, ऐसी तस्वीर बनी। इस करीब 100 फीट ऊपर तक फव्वारा पानी का उठता हुआ नजर आया। हालांकि आसपास के क्षेत्र या खेतों में पानी फैल गया। खबर राजनांदगांव से, जहां 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मदनवाड़ा थाना के केरकट्टा से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के केरकट्टा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो राजनांदगांव से ये 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या आपराधिक रिकॉर्ड है, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी ये बड़ी सफलता पुलिस के लिए कही जा रही है। राजनांदगांव से, राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के केरकट्टा से इन 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन आया और जानकारी भी रखी है। ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए और एंटी नक्सल ऑपरेशन भी लगातार, संयुक्त ऑपरेशन भी छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ पुलिस DRG और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान संयुक्त ऑपरेशन के तहत एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।